हेलो विद्यार्थी मित्रों, धोरण 5 विषय हिंदी पाठ 12 दुमदुमा गांव के बच्चे आ पाठ आपणे आज हिंदी में आ पाठ आज आपणे भणवानो छे। बधा ज पोतानी चोपड़ी भर करशे। पाना नंबर 80 छे। पाठनुं नाम छे दुमदुमा गांव के बच्चे। बच्चों में अपार क्षमता होती है, उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चों ने क्या कदम उठाया और उसका क्या निरूपण किया, यह बात यहां पाठ में की गई है। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने का जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। यहां पर इस पाठ में छोटे बच्चे हैं जो गांव के अंदर पानी की समस्या है, वो पानी की समस्या को कैसे दूर करते हैं, इसके बारे में यह पाठ द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। यह दुमदुमा गांव है। देखो बच्चा, आज अपने अंदर फोटो आपेलो छे, सनु चित्र छे, तो दुमदुमा गांव नो चित्र छे। यह दुमदुमा गांव है, यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। तो ये किसका चित्र है, तो दुमदुमा गांव का चित्र है। यहाँ पर हमेशा पानी की समस्या रहती थी। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते। यह गांव में हमेशा पानी की समस्या रहती थी और खेत भी सूख जाते थे, क्योंकि यहाँ पर पानी मिलता नहीं था, इसलिए लोग खेती करते नहीं थे और लोग बहुत सारे परेशान हो जाते थे। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहाँ, यहाँ पर पानी की समस्या थी, इसलिए बच्चे कहाँ पर खेलते, पानी में खेलना उसको बहुत अच्छा लगता, लेकिन इस गांव में पानी की समस्या थी, इसलिए बच्चे को यहाँ खेलना, पानी में खेलना, कूदने के लिए उनको नहीं मिलता था। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। एक दिन की बात है, सभी बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। एक दिन सभी बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए और सभी ने पानी की समस्या हल करने का कोई उपाय सोचा। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो। तो सभी लड़के इकट्ठे होते हैं और क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा कि रोज बरसो। बिल्लू बोला, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? फिर बिल्लू बोला कि बादल कैसे रोज बरस सकते हैं? महिमा बोली, तब फिर क्या हो? फिर सभी लड़के वहाँ खेल के मैदान में इकट्ठे हुए, सभी ने अपना अपना उपाय बताया। फिर महिमा बोली कि तब फिर क्या हो सकता है? सब सोचने लगे। फिर क्या किया सबने? सब सोचने लगते है, क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे। फिर सभी ने सोचा कि हम सब इकट्ठे होके क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। रजिया बोली, जिससे क्या होगा, बारिश का पानी आएगा तो इस गड्ढे में भर जाएगा। ऐसा कौन बोला? तो रजिया बोली, हाँ हाँ यही ठीक है। तो उसने सभी लड़कों ने कहा हाँ हाँ यह ठीक बात है। सभी बच्चे बोले कि यह बात ठीक है, हम एक खड्डा खोदते हैं, वहां पे पानी भर सकते हैं। फिर बच्चे लाए फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले, वे जमीन खोदते रहे। फिर सभी बच्चों ने कोई कड़ाही लाया, फावड़े लाया, कुदाले लाया और तसले भी ले आए और सभी बच्चों ने खड्डा खोद दिया। मिट्टी धोते रहे, बाहर फेंकते रहे। सभी बच्चों ने इकट्ठे होकर क्या किया, तो एक खड्डा खोद दिया और उसमें से मिट्टी बाहर फेंकते रहे। बच्चों का काम करते हुए गांव वालों ने देखा। यह काम किसने देखा, तो गांव वालों ने इस बच्चे को काम करते हुए देखा। वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। सभी लड़के इकट्ठे होकर क्या करने लगे, तो पानी की समस्या थी तो वो लोग इकट्ठे होकर गड्ढा खोदने लगे। यह देखकर गांव के लोगों भी इनमें शामिल हो गए। इस तरह एक बड़ा सा तालाब बन गया। बरसात में उस तालाब में पानी आया। फिर बरसात हुई, तो बरसात का पानी कहाँ पे इकट्ठा हुआ है, तो तालाब जैसा मोटा गड्ढा बन गया।
और वहाँ इकट्ठा हो गए। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। उस पानी से क्या हुई? तो उस पानी से खेतों की सिंचाई हुई। खेतों में मक्का और धान लहलहाए। यह इस तरह लड़कों ने मेहनत करके और गांव वालों ने भी उनके साथ मेहनत की और क्या हुआ, बड़ा सा गड्ढा हुआ और उसमें बरसात का पानी इकट्ठा हुआ और तभी से सभी बच्चे भी इसमें नहाते थे और उछल कूद करने लगे और फिर वहाँ पे मक्का और धान भी लहलहाने लगे। लोग खुश हुए, सभी लोग यहाँ गांव के सभी लोग खुश हुए और बच्चे भी खुश हो गए और बच्चे पानी में छप छपा कर खूब नहाए। इसी तरह सभी बच्चों ने इकट्ठा होकर क्या किया, तो एक गड्ढा खोदा और बारिश हुई तो उसमें पानी से भर गया और बड़ा सा तालाब हो गया। इससे लोग कहीं खुश हुए और लड़कों भी पानी में छप छपा कर खूब नहाए। तो अपने थोड़ा शब्द आपेला है, अपने जोईशु। प्रार्थना एटले शुं थाय, उपासना विनती। पानी एटले जल, नीर अने वायु। कमी एटले अभाव, परेशान दुखी व्याकुल। उपाय एटले युक्ति तरकीब। बारिश एटले वर्षा। धान एटले अन्न, यहाँ पर चावल है। तो आ साथे आपणे आ पाठ अहीं आगळ पूर्ण थाय छे। फरीना बाकीना जे अधूरो पाछळना जे पाना नंबर 82 पर 83 पर जे वार्ता छे, आपणे आगला वीडियोमां भणीशुं। थैंक यू।